समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अंजलि चौहान आपके साथ। कहते हैं ये मुंबई है मेरी जान, लेकिन आज हो रही है बारिश से परेशान। देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं, तो महाराष्ट्र के कई शहरों में बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि जीना मुहाल हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई घटनाएं हो गई हैं। दीवार गिरने के कारण 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। कई ट्रेनें फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं या फिर उनका समय बदल दिया गया है। दूसरे और आज दोपहर समुद्र में हाई टाइड आने का खतरा भी बना हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के कारण जो दीवारें गिरी हैं उनमें मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। मुंबई के मलाड में 18 मौतें, कल्याण में दीवार गिरने से 3 मौतें और पुणे की घटना में 6 जान चली गई। ऐसे में अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पर घायलों से मुलाकात करने CM देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस BMC के दफ्तर पहुंचे। यहाँ पर वह पूरे शहर के हालात का जायजा ले रहे हैं। BMC के दफ्तर में CCTV फुटेज के जरिए सारे शहर की तस्वीर सामने आ रही है। करीब कुछ इलाकों में 400 mm तक अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की बारिश यहाँ पर हुई है और जिसके चलते कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है। विशेष रूप से मालाड़ में जो एक वहाँ पर दीवार गिरी, उसके कारण वहाँ पर कुछ स्लम्स थे, कुछ घर थे, उन घरों के बहने के कारण करीब 13 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग अभी सीरियस है। करीब 30-40 लोग जो है उसमें इंजर्ड भी है। मैंने स्वयं जाकर लोगों से मुलाकात भी की है और अभी मुंबई में जो हमारी लोकल है इसमें वेस्टर्न लाइन पर लोकल शुरू है, लेकिन सेंट्रल लाइन पर अभी भी लोकल बंद है क्योंकि वहां पर फ्लडिंग ज्यादा है। मुंबई में अभी यह सारा पानी बाहर निकालने के लिए 5 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से काम जो है वो जारी है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से IMD ने इसके बारे में प्रेडिक्शन दिया है, उसके चलते रात में ही हमने स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। सुबह सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऑफिसेस को भी छुट्टी हमने डिक्लेयर की है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से अभी पुलिस विभाग हो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग जो BMC के अंडर है वो विभाग हो, ये सारे के सारे पूरी मुस्तैदी के साथ और रास्तों पर है, लोगों को मदद करने पर जुटे हुए हैं। ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कुछ जगह छोड़कर ओवरऑल ट्रैफिक जो है उसको अभी काफ़ी कंट्रोल में लाया गया है। फ्लडिंग जो है वो उसको वो पानी बाहर निकाला गया है, लेकिन करीब 12 बजे बहुत बड़े पैमाने पर हाई टाइड आएगा, उस समय ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। शाम को भी जब ये परिस्थितियाँ होगी तब भी ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी उसके। मुंबई में बारिश के कारण यातायात पर भारी असर पड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट पर अभी तक 55 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया, साथ ही 52 उड़ानों को रद्द किया गया है। मुंबई में बारिश का कहर बरप रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सड़कों पर मदद करने के लिए नौसेना को उतरना पड़ा है। मुंबई के कुर्ला इलाके में BMC की गुजारिश पर नौसेना की टीम पहुंची है, जहां INS तंजी और अन्य टीमें आई हैं। यहां चारों ओर पानी भरा हुआ है। NDRF की मदद से यहां पर 1000 से अधिक लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं। बारिश को देखते हुए मुंबई के 3 जिलों में सरकारी छुट्टी का आदेश दे दिया गया है। मुंबई शहर, मुंबई सब अर्बन और ठाणे में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि आज BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज खुला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में अभी भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले 2 से 3 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आप मुंबई में रहते हैं तो घर से बाहर ना निकलने की कोशिश करें। 3 जगह दीवार ढहने से 21 की मौत। मुंबई में तेज बारिश का कहर लोगों की जान पर आकर बरपा है। महाराष्ट्र में सिर्फ मंगलवार रात में 3 जगह दीवारें गिरी हैं। इन 3 घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है। दीवार गिरने की घटना मलाड, ईस्ट, कल्याण और पुणे में हुई है। मलाड ईस्ट में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कल्याण में 3 लोगों की दीवार की चपेट में आकर मरने की खबर सामने आ रही है। पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं आधी रात के आसपास की हैं। इन हादसों में मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। अभी भी हादसे की जगह NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। मुंबई पिछले 5 दिनों से बारिश की वजह से परेशान हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज मुंबई और इसके आसपास भारी बारिश की संभावना जताई है और अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।